कोरोना वायरस के आतंक में जहां पूरे भारत वर्ष में लोग सचेतन हो रहे हैं, प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अपने हर एक हरकत को अंजाम देने के प्रयास में जुटा हुआ है, तो इसी दौरान सीचर के सतेंद्र मोहन देव सिविल अस्पताल के सामने तथा जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के सामने ही गंदगी पूर्ण माहौल बन रहा है। जहाँ पर लोग स्वस्थ होने आते हैं उसी क्षेत्र में गंदगी का माहौल बढ़ता ही जा रहा है और डंपिंग क्षेत्र भी बन गया है। परेशानी के कगार में जी रहे यातायातकारी लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर तो चल रहे हैं, लेकिन कब किसी बीमारी की लपेट में ये आ जाए यातायातकारी लोग खुद भी ये नहीं जानते। जल्द से जल्द जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा नगर पालिका विभाग से इस क्षेत्र में सफाई अभियान करवाकर पूरे क्षेत्र को गंदगी मुक्त किए जाने का अपील यातायातकारी लोग कर रहे हैं, लेकिन खुले सामने कोई नहीं आता क्योंकि तनाव बना हुआ है। सिलचर के गांधी मेला प्रांगण में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गंदगी पूर्ण माहौल में लोग जी रहे हैं। कोरोना वायरस के रोकथाम में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन साफ सफाई के नाम पर गांधी मेला व प्रदर्शनी के आसपास में अगर आप भटके तो आप बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे गंदगी पूर्ण माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नगर पालिका विभाग से जल्द इस क्षेत्र में सफाई अभियान कर सुचारू व्यवस्था ग्रहण किए जाने के लिए आम जनता ने अपील किए हैं। আরো কি ভাইরাস একটা আইসে এটার লাগে মানুষের কষ্ট পাক মিউনিসিপালিটির কইয়া আপনারা যদি এটা নিউজ দেখাইয়া এই জায়গাটা পরিষ্কার করেন তে আমরা খুব সুবিধা হইব। আর এটা যদি